क्या मसला है तुम्हारा? कहा था ना तुम्हें यहाँ पे फोन मत करना। ना खुद सुकून लेती हो ना मुझे सुकून लेने देती हो तुम। फोन मत रखना। खुद तो मैं बर्बाद हो गई हूँ, ऊपर से अपने घर वालों के लिए अजाब बनकर रह गई हूँ मैं। तुम्हें अजाब मिले तुम्हारे घर वालों को, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। भाड़ में तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। क्या मसला है तुम्हारा, क्यों फोन किया तुमने यहाँ पे? ऐसा मुझे लगता है कि जो भी भयानक वाकयात हमारे साथ हो रहे हैं ना, इसका ताल्लुक हसान के मर्डर से है। ये एक ऐसा साया है जो हम सबको मार डालेगा, किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा। कर ली बकवास अपनी, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज तो तुमने अपने मुंह से ये बात कह दी, आइंदा नहीं कहना। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात पल रही है, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह से ये बात निकली ना तो खुद भी जेल जाओगी और तुम्हारे घर वाले जो है ना ये जीते जी मर जाएंगे। मैं तो बचा लूंगा खुद को, लेकिन तुम जो है ना खुद को नहीं बचा पाओ। और ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है, आइंदा के बाद यहाँ फोन किया ना तुम्हारे साथ क्या हशर होगा तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने गुड़िया को कहीं देखा? नहीं यार, कोई नजर नहीं आई गुड़िया। अच्छा चलो मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। एक मिनट हसन, मैं घर से आलू के पराठे लेकर आई थी, टेस्ट करोगे? आलू के पराठे? हाँ, मेरी अम्मी बनाती है बहुत मजे के आलू के पराठे, खाओगे ना तो खाते रह जाओ। ओके, लेट मी टेस्ट। भाई वाह, तू बहुत मजे के है। मेरा ख्याल है तुम रोज लेकर आओगी ना, मैं रोज तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा खाने के लिए। क्या करूं, मैं किससे मदद लूं, कैसे बताऊं सबको वो दिल दहलाने वाला सच, कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं लम्हों के बारे में जब कुछ लोगों पर कयामत गुजरी गई थी। सुधरा,